नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल अपेक्स स्टडी सेंटर दिनारा पर। मैं आप लोगों को आज संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम संधि के बारे में जानते हैं। संधि, तो संधि जानने से पहले हमको सबसे पहले ही जानना जरूरी है कि ये संयोग, संयोग क्या होता है। तो संयोग जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। संधि हमको तभी समझ में आएगा जब हम संयोग को समझेंगे। तो कह रहा है कि जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को संयोग कहते हैं। संयोग की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। संयोग में दो वर्ण परस्पर मिलते हैं। संयोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता है। संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं तथा व्यंजन वर्ण ज्यों के त्यों एक साथ लिख दिए जाते हैं। संयोग का विशेषता जो दिया गया, इस विशेषता को जरा समझिएगा कि संयोग में दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, मतलब कि इसमें जो मेल होगा, यहाँ तो यहाँ पर जो मेल हुआ है ये मतलब कि दो वर्णों का होगा, ना कि पूरा शब्दों का। संयोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता, मतलब कि इसमें जो ये दो वर्ण मिलेंगे तो इस दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं तथा व्यंजन वर्ण ज्यों के त्यों लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे घनम प्लस इच्छन्ति है तो यहाँ पर घनम प्लस इच्छन्ति है तो इसमें क्या है कि आधा म है प्लस ई है, तो यहाँ पर म जो है व्यंजन वर्ण है और ई क्या है, स्वर वर्ण है। तो हमको क्या करना है, इसके मेल करते वक्त जो म है तो ये स्वर वर्ण है तो इसकी मात्रा क्या होती है, एस है। हर्षई वर्ण की मात्रा ऐसे होती है तो घनम प्लस इच्छन्ति, इसमें क्या हुआ कि म में हर्षई वर्ण की मात्रा जुड़ गई है। यहाँ पर है कि तत् प्लस त्वम, तो यहाँ पर जो आधा त है ये भी क्या है, व्यंजन है और ये भी क्या है, व्यंजन है। तो विशेषता में देखें लिखा गया है कि व्यंजन वर्ण की मात्रा ज्यों की त्यों लिख दिया जाता है, मतलब कि व्यंजन वर्ण में कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर आधा त और यहाँ पर आधा त, तो यहाँ पर तत् संयुक्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हमको जाना है संधि। संयोग जान गए, अब संधि जानते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मतलब जो संयोग था उसमें क्या हो रहा था कि वर्णों का मेल हो रहा था, इसमें दो संयोगी वर्णों का मेल होता है। अब जैसे कि संयोग हम लोग पढ़े तो ये हो रहा था आधा म प्लस ई, तो क्या हुआ, मी, ऐसे हुआ। तो यहाँ पर जो आधा वर्ण का नहीं होगा, ये हम केवल संयोगी वर्ण क्या होता है, ये म। तो पहले हम अंतर ये समझ लेते हैं कि ये संयोगी वर्ण में और वर्ण में अंतर क्या है। तो ये जो म में हलंत है ये क्या है, संयोगी वर्ण है, और ये जो पूरा म है मतलब इसमें स्वर वर्ण की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो गया, संयोगी वर्ण हो गया। तो संधि, तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम प्लस तो संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, तो यहाँ पर देव प्लस इंद्र है तो वह क्या है, व्यंजन है और ई जो है स्वर है। तो यहाँ पर देव प्लस इंद्र मिल करके स्वर वर्ण, यहाँ पर ई जो है ई वर्ण की मात्रा लिखी गई, ई वर्ण की मात्रा यहाँ पर ए लिखा गया है। तो ये हम आगे जानेंगे कि ई ए में कैसे बदल गया है। तो पहले जान लेते हैं संधि का भेद। तो संधि के भेद होते हैं तीन, स्वर व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि, तो दो स्वर के मेल से जो होने वाले विकार परिवर्तन को क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो केवल स्वर वर्णों का ही मेल होगा, जैसे यहाँ पर विद्या प्लस आलय, विद्यालय दिखाया गया है। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, इसको संस्कृत में इसका अगर नियम को बोले तो अक स्वर्णे दीर्घ, अक स्वर्णे दीर्घ। इसी को हिंदी में अगर बोले तो ह्रस्व या दीर्घ अ हर्षई हर्षऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ हर्षई हर्षऊ आ जाए तो दोनों मिलाकर दीर्घ आ दीर्घई और दीर्घ हो जाते हैं। ये नियम क्या मतलब कि अ प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मतलब कि जो भी ह्रस्व रहेगा वो मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे कि धर्म प्लस अर्थ क्या हो गया, धर्मार्थ। तो यहाँ पर जो म है, म में क्या छुपा हुआ है, अ, और यहाँ पर क्या है, अ, तो अ प्लस अ मिलकर क्या बन गया, आ। तो हम पहले जान चुके हैं कि संधि जो होता है उसमें स्वर बन रहेगा, तो उसकी क्या लिखी जाएगी, मात्रा, आ की मात्रा ये होता है। तो म में आ की मात्रा जुड़ गई है, धर्मार्थ। ठीक उसी प्रकार हिम प्लस आलय, यहाँ पर मात्रा जुड़ा है आ का, तो हिमालय हो गया है। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि हर्षई और दीर्घई की संधि है। ये जो है मतलब कि हम पहले क्या देखें कि अ रहेगा, हर्षई रहेगा, हर्षउ रहेगा, तो उससे जो भी वर्ण मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब दीर्घ हो जाएगा। तो हर्षई हर्षई मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घई। तो रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, यहाँ पर यह हर्षई वर्ण है, हर्षई वर्ण की मात्रा, और यहाँ पर हर्षई वर्ण है, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो दीर्घ का क्या लिखा है, मात्रा लिखा है। ठीक है उसी प्रकार मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र, गिरि प्लस ईश, गिरीश, मुनि प्लस ईसा, मुनिस, मही प्लस इंद्र, महेंद्र, नारी प्लस इंदु, नारिंदु, नदी प्लस ईसा, नदी स, मही प्लस ईसा, महिष। इसको केवल समझना है, गौर से अगर देखिएगा तो बस कुछ करना नहीं है, बस ये जो स्वर बन रहेगा उसका मात्रा लिख देंगे, और जो व्यंजन बन रहेगा उसको ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब उ का देख लेते हैं, यहाँ पर है हर्षउ और यहाँ पर है हर्षउ, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अगर यहाँ पर दीर्घउ है और यहाँ पर दीर्घउ है, मतलब कि दीर्घउ दीर्घ मिलेगा तो दीर्घउ होगा, और हर्षउ हर्षउ मिलेगा तो हर्षउ ही होगा, दीर्घउ होगा, सॉरी। भानु प्लस उदय क्या हो गया, भानुदय। विदु प्लस उदय, विदुदय। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। सिधु प्लस उर्मी, सिधुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। वधु प्लस उल्लेख, वधुलेख। मतलब कि इसमें जो क्या हुआ है कि उ का और उ का मेल हुआ है, चाहे हर्षव हो चाहे दीर्घव हो। हम आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट है गुण संधि। तो गुण संधि को हम संस्कृत में इसका नियम को बोलते हैं आद गुण, क्या बोलते हैं, आद गुण। इसमें अ आ के आगे हर्षई दीर्घई हो तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। और हर्षव दीर्घव हो तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है, तथा री हो तो और हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, गुण संधि बोलते हैं। मतलब देखते हैं अगर अ प्लस ई, तो कह रहे कि इसमें अ आ के आगे, मतलब कि अ और के आगे क्या रहेगा, हर्षव दीर्घ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हर्षव दीर्घव रहेगा तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अ आ के बाद अगर री होगा तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो यहाँ अ है और अ के बाद क्या है, हर्षई। तो रूल के अनुसार क्या हुआ है, यहाँ पर अब मिलकर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर एग्जांपल कि नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर नर ए कैसे होगा, हो गया। तो ये जो ए होता है, ए का मात्रा क्या होता है, ऐसे, और ये क्या है, स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण की मात्रा लिखी जाती है। तो नर प्लस इंद्र क्या हो गया, नरेंद्र। वैसे ही अ प्लस ई मिलकर क्या बना, ए बना, चाहे हर्षई हो चाहे दीर्घई हो, मिलेगा तो बनेगा क्या, ए बनेगा। तो नर प्लस ई स, नरे स, यह आवरण है, आवरण रहेगा चाहे अवरण रहेगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर अ रहे चाहे आ रहे, उसके बाद हर्षई दीर्घई रहे तो क्या बनेगा, ए। तो महा प्लस इंद्र, तो यहाँ पर आ की मात्रा हट जाएगी और किसकी मात्रा आ जाएगी, ए का, तो हो जाएगा महेंद्र। यहाँ आ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए। तो यहाँ महा प्लस ई स बराबर महेश। अब देखते हैं ऊ का, अगर हर्षव दीर्घव रहे तो क्या होगा, ओ होगा। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान प्लस उपदेश, यहाँ पर तो अ है और यहाँ पे उ, तो अ प्लस उ मिलकर क्या बना, ओ, और ओ की मात्रा क्या होती है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश। आ प्लस उ मिलकर क्या बना, ओ, तो महा प्लस उत्सव, महोत्सव। अ प्लस उ मिलकर क्या बना, ओ, तो जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। आ प्लस उ बराबर ओ, तो महा प्लस उर्मी, मोहर्मी। अब यहाँ देखिए री, तो नियम में लिखा गया है, क्या लिखा गया नियम में, कि अगर अ और आ के बाद री आए तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। तो अ प्लस री बराबर अर, तो देव प्लस ऋषि, यहाँ पर अ है और यहाँ पे री है, तो ये जो है ये अर हो गया है। तो अर कैसे हम जाने, हम पहले बोले हैं कि जो यहाँ मेल होगा हमको इस वर्ण पे मेल होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो रेप है सर्प के ऊपर है, न कि व के ऊपर। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करके देखें तो देव प्लस ऋषि,
यहाँ इसको बोलेंगे तो देवर्षि, मतलब कि जो इस रेव को हम उच्चारण करते हैं तो व के बाद ही पढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि जो संधि हुआ है इस कहाँ हुआ है, ओ पर हुआ है। तो आ प्लस री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि महर्षि, जैसे ये कहा है वो क्या हो गया, देवर्षि। आगे देखते हैं, आगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को संस्कृत में बोलते हैं वृद्धि रेचि। ये कह रहा है कि अ आ का ए ऐ में से मेल होने पर ऐ हो जाता है, मतलब कि ये अ और आ, ये इसको हम अवर्ण भी बोल सकते हैं, अवर्ण। अवर्ण कहने का मतलब हो जाता है अ आ, कह रहा है कि इसके बाद अगर ए ऐ रहे और उसका मेल हो तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ये दोनों में से किसी का भी मेल हो तो बनेगा ऐ, तथा अ आ का ओ अ से मेल होने पर अ हो जाता है, और अ ओ और अ से मिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, वृद्धि संधि बोलते हैं। सिंपल सी है कि अ आ के बाद अगर ए आ रहे तो बन जाएगा ए, अगर अ आ के बाद ओ और रहेगा तो बन जाएगा अ। जैसे देख लेते हैं, अ प्लस ए, अ प्लस से मिलकर क्या बना ए, तो एक प्लस एकम, तो ए की मात्रा क्या होती है, हमको मात्रा बिल्कुल ध्यान रखना है नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसकी मात्रा कैसे होती है, ऐसे, तो एक प्लस एकम, ये आय की किस में बदल गया, आय में, तो एक एकम, ए अ प्लस आय आय बराबर, तो मत प्लस एक एकम मत एकम, आ प्लस ए आय तो सदा प्लस एव सदैव, आ प्लस ए आय तो महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वरम। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मात्रा जो है स्वर बन रहेगा तो मात्रा लिख देंगे, अब व्यंजन बन रहेगा तो जीव कृत्यव लिख देंगे। अगर ये नियम समझ में आ गया, जो यहाँ से ये नियम लिखा गया है, इस संधि को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अ प्लस ओ बराबर ओ, तो वन प्लस औषधि तो क्या हो जाएगा, वन औषधि, क्योंकि यहाँ पर जो ना है, यहाँ पर किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा। आ प्लस ओ बराबर ओ, तो महा प्लस औषधि बराबर महौषधि, अ प्लस ओ बराबर ओ, मतलब परम प्लस औषध बराबर परमौषध, आ प्लस ओ बराबर ओ, महा प्लस औषध बराबर महौषध। आगे देखते हैं, ये है ईयर संधि। ईयर संधि का नियम को हम बोल सकते हैं कि इको यरिच यर्ची, मतलब हर्षई दीर्घई के आगे कोई विजातीय असमान स्वर हो तो हर्षई दीर्घई का यह हो जाता है, मतलब कि हर्षई और दीर्घई रहेगा उसके आगे, मतलब ई दोनों को छोड़ करके कोई समान स्वर हो तो क्या करेंगे, उसको हर्षई और दीर्घई के बदले में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और हर्षव दीर्घव के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर हर्षव दीर्घव क्या हो जाता है, वह हो जाता है। ध्यान रखना कि मतलब कि ये दोनों के बाद अगर ये दोनों मतलब हर्षव दीर्घई ना आए, कोई दूसरा स्वर आए तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अगर हर्षव दीर्घव के बाद कोई दूसरा आएगा तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का, री को क्या कर, र लिख दिया जाता है। जैसे देख लेते हैं, ई प्लस अ, ई प्लस अ, तो ये कह रहा है कि ई के बाद ई नहीं आया, दूसरा कोई स्वर आ गया, तो ये क्या बदल गया, यह में बदल गया नियम के अनुसार। और इसके बाद हम अ का इससे मेल करते हैं, मतलब संयोग करते हैं, तो क्या बना, पूरा यह बनेगा। तो यदि प्लस अपि, यहाँ पर क्या है, ई है और यहाँ पर अ है, तो ये जो ई के बाद क्या आया, अ, तो क्या बदल गया, य में, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, य, और ये अ जो यहाँ पर आधा यह हुआ ना, तो ये अ उसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा यह। तो यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, ठीक। उसी प्रकार दीर्घई ई प्लस आ, य प्लस आ, तो ये क्या बन गया, या, तो इति प्लस आदि इत्यादि। ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि दीर्घई प्लस अ बराबर क्या बना, य बना, मतलब कि ई जो है पहले बदल गया य में, उसके बाद इस अ का मेल हुआ तो क्या बन गया, ये पूरा य बना। तो नदी प्लस अर्पण, यहाँ पे दीर्घई है और यहाँ पर अ है, तो ई प्लस अ मिलकर क्या बना, य बना, तो नद्य अर्पण, ठीक। उसी पर देवी प्लस आगमन दिव्यागमन, घ देख लेते हैं, ये है उ प्लस अ, तो उ कह रहा है कि अगर उ और दीर्घऊ जो रहेगा, हर्षव दीर्घऊ, उसके बाद अगर कोई विजातीय स्वर आता है, मतलब कि दूसरा स्वर आता है, तो वो क्या बदल जाता है, व में। तो यहाँ पर अनु प्लस अय, ये जो यहाँ पर उ है और यहाँ पर क्या है, अ, तो ये विजातीय स्वर हो गया, तो ये जो उ है बदल जाएगा किस में, व में, तो व बदलेगा तो आधा आधा व होगा, तो उसके बाद क्या है, अ, तो अ का मेल हुआ तो क्या हो गया, पूरा व हो गया। तो अनु प्लस अय बराबर अन्वय, स प्लस आगत बराबर स्वागत, ठीक। उसके बाद उ प्लस ए तो क्या हो जाएगा, व प्लस ए, तो अनु प्लस एसण अन्वेषण, री प्लस अ मिलकर क्या बनेगा, र बन जाएगा।
तो री के बाद अ आएगा, मतलब री के बाद री आएगा तो नहीं, री के बाद कोई दूसरा स्वर आया, तो री के बाद क्या है, अ आया है, ये क्या हो गया, र। तो र जो मिल गया तो यहाँ पर र प्लस आ, तो पितृ प्लस आ गया, तो यहाँ पर री की मात्रा है और यहाँ पर आ की मात्रा है, तो पहले तो री बदलेगा र में और रा से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अयादि संधि। अयादि संधि क्या होता है कि ए ए और ओ ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ए आए ओ आओ हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अयादि संधि बोलते हैं। मतलब ये ए किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ए में, और ये जो है ए किस में बदल जाएगा, आए में, और ओ जो है ओ में, और आओ जो ओ है किस में, आओ में। कह रहा है कि ए प्लस अ, ए प्लस अ तो यहाँ पर ए है, इसके बाद क्या आ गया, अ आ गया, तो ये जो ए है किस में बदल जाएगा, ए में, उसके बाद क्या है, अ, तो ए प्लस अ बाद क्या बन जाएगा, अनम, तो ने प्लस अनम, नयनम, ए प्लस अ, ये ए जो किस में बदलेगा, आए में, और उसके बाद क्या है, अ, तो आए प्लस अ, तो गए प्लस अक, तो ये जो ए है किस में बदल गया है, आए में बदल गया है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आए आए क, तो गाय क। ओ प्लस अ, तो ये ओ है तो वो किस में बदलेगा, ओ में, तो ओ किस में बदल गया, ओ प्लस अ, तो पो प्लस अ न पौना, ठीक उसी प्रकार ओ प्लस अ, आओ प्लस अ, तो पौ प्लस अ का बराबर पाओ क, आओ प्लस ई, तो नौ प्लस ई का बराबर नाविक। आगे देखते हैं हम व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि देख लेते हैं, तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं व्यंजन संधि। इसमें क्या होगा कि व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा या व्यंजन का स्वर से मेल होगा, जैसे शरद प्लस चंद्र सरचंद्र। इसका पहला नियम देखते हैं कि झलाम जसवंते जो है, तो किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, मतलब पहले वर्ण ये जो किसी वर्ग का पवर्ग होता है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे, तीसरे अथवा चौथे वर्ण या यर लव ह या किसी स्वर से हो तो क को ग च को ज ट को ढ और प को ब हो जाता है। जैसे कि क प्लस ग है तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि क रहे, मतलब कि यह किसी वर्ग का पहला वर्ण, तो क पहला वर्ण है, वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या यर लव हो तो किसी वर्ग से किसी स्वर से हो या क को मतलब क्या हो जाएगा ग च को ज, तो क क्या हो जाएगा यहाँ पर क, ग में, तो यहाँ पर क है आधा क है तो आधा ग, तो दिग प्लस ग ज दिग ज। व्यंजन को हम मतलब कि जो आधा उसको आधा ही लिखेंगे, पूरा रहेगा तो पूरा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि व्यंजन ज्यों के त्यों लिखा जाता है। यहाँ पर क्या है क प्लस ई, क प्लस ई, तो क व्यंजन है लेकिन दीर्घई जो ई है ये क्या है स्वर है, तो यहाँ स्वर उनका मात्रा लिखना होगा, तो क बदला किस में, ग में, तो ग दीर्घई की मात्रा क्या होती है ऐसे होती है, तो हम क्या लिख दिए गी, तो वाक प्लस ई स वागी स। उसी प्रकार अच प्लस अंत अजंत, ट प्लस आ है तो यहाँ पर ट किस में बदलेगा, ये ट जो है किस में बदलेगा, ढ में, तो यहाँ ढ हो गया लेकिन यहाँ पर आ है तो आ का मात्रा क्या होगा ऐसे, तो ड सट प्लस आनन सडानन। उसी प्रकार अ प्लस जम अबजम। आगे देखते हैं सेकंड है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, मतलब जैसे कि इस वर्ग का क होगा तो इसका मेल अगर न या म से होता है तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, जैसे क प्लस म, यहाँ पर क से मेल किसका हुआ, म से, न या म, न से हो या म से हो तो क प्लस म, तो क का पांचवा वर्ण क्या होता है अंग, तो वाक प्लस मय वांग मय। यहाँ है कि च प्लस न, तो च जो है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसका मेल किससे हुआ, न या म से, तो यहाँ पर मेल हुआ है न से, तो च का पंचम वर्ण य, तो अच प्लस नास अंच नास। फिर ट प्लस म, तो यहाँ ट क्या प्रथम वर्ण है, ये म क्या है न या म से इसका मेल हुआ, तो ये इसका पंचम क्या होगा अड़, सट प्लस मास सट मास। त प्लस न, तो यहाँ पर त प्लस न, तो त है त का पंचम क्या हो गया न हो गया, तो उत प्लस नैनम उन्नयनम। ग नियम देखते हैं, तो करें त का मेल ग घ द ध ब भ य
र व या किसी स्वर से हो जाए तो वो किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, त है। एक के बाद कह रहा है कि इतने में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो अगर किसी से अगर मेल हो जाए तो क्या हो जाता है, द। तो यहाँ पर त प्लस भ है, तो ये त है, तो त क्या बदल जाएगा, ध में। और यहाँ पर ब है तो ब, इसे नीचे लिख देते हैं। तो सद प्लस भावना, सद भावना, त प्लस ही, तो त पहले किसमें बदलेगा, द में। और यहाँ पर दीर्घई है तो दीर्घई वर्ग की मात्रा लिखी है, तो त बदला द में, तो यहाँ पर द हुआ। और दीर्घई मिला तो दी दी, तो जगत प्लस ई स जगदीश। भगवत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति, त प्लस र क्या बदल गया, द्र बना। तो तत् प्लस रूप तद्रूप, सत प्लस धर्म सधर्म। नेक्स्ट, अरे कि त से परे च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, झ जो ज है, ट या ठ होने पर, ट ढ या ढ होने पर, ढ और ल होने पर ल हो जाता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि त प्लस क्या है, च। अरे कि त से परे च या छ होने पर, त से परे च या छ, मतलब उसके बाद जो च या छ होगा, होने पर ही क्या हो जाएगा, ये त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ज या झ होने पर ज हो जाएगा, ट या ठ होने पर ट, ढ या ढ होने पर ढ, और ल होने पर ल। तो यहाँ पर त प्लस च है तो क्या हो जाएगा, ये च हो जाएगा। तो उत प्लस चरणम उच्चारणम, यहाँ पर त प्लस ज, तो क्या रहेगा यहाँ पर, क्या होगा, ज यहाँ पर च ज रहे तो उसके क्या हो जाएगा, तो ज हो जाएगा। तो यहाँ पर त है तो किसमें बदलेगा, ज में। तो यहाँ पर क्या होगा, ज। तो सत प्लस जन सजना, ये त है, त प्लस झ, तो ये किसमें बदलेगा, पहले ज या झ रहेगा तो बदलेगा ज में, तो त बदला ज में। तो उत प्लस झाटिका उझाटिका, यहाँ पर देख लेते हैं, त प्लस ल है, तो ये क्या कह रहा है कि ल होने पर क्या हो जाएगा, ये ल में बदल जाएगा, तो क त बदल जाएगा ल में। तो यहाँ पर त प्लस ल, तो ल ल हो गया, तो उत प्लस लास उल्लास। नेक्स्ट है कि त का मेल यदि तलब्य स से हो तो त का च स का छ बन जाता है। मतलब इसका मेल, त का मेल यदि तलब्य स से हो तो ये जो त है किस में बदल जाएगा, च और स जो है छ में, करे त प्लस स, तो ये जो त किस में बदल गया, छ में, आ ये जो है किस में बदल गया, छ में। तो उत प्लस स्वास्थ्य उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। उसी प्रकार देखा, त का मेल यदि ह से हो, इसका मेल किससे होगा, ह से, तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे इसमें क्या हो रहा था कि त का मेल तलब्य स से हो रहा था तो त बदल जा रहा था च में, और तलब्य स का जो छ से मेल हो रहा था बदल जा रहा था छ में। तो इसी प्रकार जो त का मेल होगा ह से, क्या बदलेगा, त द में बदल जाएगा, त किसमें बदलेगा, द में, और ह ध में बदल जाएगा। जैसे कि उत प्लस हार, तो ये जो त है किसमें बदला, ये जो त का मेल ह से हुआ तो किसमें बदला, ये द में, और ह ध में, तो क्या हो गया, द हो गया। तो उत प्लस हार उद्धार, उसी पर उत प्लस हारण उद्धारण, यहाँ पर तत् प्लस ही तदि त। आगे देखते हैं, अच्छा कह रहे कि स्वर के बाद यदि छ वर्ण, स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ गया तो छ से पहले क्या करेंगे, च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। देखते हैं, कह रहे कि स प्लस छंदम, स प्लस छंदम, तो यहाँ पर क्या है, अ प्लस छ, यहाँ पर जो अ प्लस छ का मेल हो रहा है, तो ये छ से पहले क्या करते, च को हम लगा देंगे। कब, जब स्वर के बाद छ वर्ण आए, तो ये जो है अस्वर है उसके बाद छ वर्ण आ गया, तो उससे पहले हम क्या लगेंगे, च। तो स प्लस छंदम स छंदम, उसी पर आ प्लस छादम अछादनम, यहाँ पर संधि प्लस छेद संधि छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, मतलब कुछ कारण नहीं है, बस जो व्यंजन वर्ण है उसको जैव कहते हुए लिख देना है, और स्वर्ण रहेगा उसका मात्रा लिखते चलेंगे। फिर करके यदि म के बाद, यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म का अनुसार हो जाता है। मतलब कि यदि म रहे और म के बाद कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कोई रहे, उसी का उसमें से किसी का भी, और कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार,
अनुस्वार कर्ण का मतलब कि वो ऊपर पॉइंट में चला जाता है, जैसे कि यहाँ पर म प्लस च, तो ये म है, म है नियम के अनुसार, और उसके बाद क्या आ गया, च आ गया, तो ये क से लेकर म तक में है ही, तो ये जो क्या म का अनुसार हो जाएगा, तो किम प्लस चित, तो किंचित, जब अनुस्वार हो जाता है म तो म को हम न पढ़ते हैं, तो म प्लस क, तो यहाँ पे क्या म का अनुसार हो गया, तो किम प्लस कर, तो किं कर, यहाँ पर सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस चय संचय। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि म के बाद, नेक्स्ट रूल है कि म के बाद म का द्वित्व हो जाता है, अगर म है आधा म है उसके बाद पूरा म तो आएगा, तो म को क्या कहते हैं, द्वित्व हो जाता है, द्वित्व मतलब दोबारा, जैसे आधा म प्लस म तो क्या हो जाएगा, मम, तो मतलब कि पहले भी हम जान चुके हैं कि अगर रहेगा व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण को क्या करेंगे, जैव कहते हैं लिख देंगे, तो वो भी ओ नियम भी यहाँ काम कर रहा है, ये व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है, तो जैव कहते हैं इस, जैसे एग्जाम्पल सम प्लस मति, तो सम्मति, यहाँ पर है सम प्लस मान, तो समान। नेक्स्ट नेक्स्ट हो रहा है कि म के बाद य र ल व तुलभ्य स मूर्धन्य स स ह, वैसे कोई व्यंजन होने पर म का अनुसार हो जाता है, और कि ये म है, इसके बाद इनमें से कोई भी व्यंजन वर्ण रहे तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो ये पर म प्लस य, तो यहाँ पर य आ गया, इनमें से है ही, तो म का अनुस्वार हो गया, तो सम प्लस योग संयोग, सम प्लस विधानम संविधानम, सम प्लस शय संशय, सम प्लस रक्षणम, तो म का अनुस्वार संरक्षणम, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस लग्न संलग्न। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि री र मूर्धन्य स से परे न का अड हो जाता है, इतने में से री र मूर्धन्य स से परे न का क्या हो जाएगा, न किसे मतलब अड हो जाता है, परंतु चवर्ग टवर्ग तवर्ग तलभ्य स और दंत स का व्यवधान हो जाने पर न का अड नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं, अरे कि र प्लस न र, तो यहाँ पर परि प्लस नाम, परि प्लस नाम, तो ये री प्लस र र या स, तो यहाँ पर र है, उसके बाद क्या आया न, तो न का क्या हो जाएगा अड में, तो परि प्लस नाम परिणाम, लेकिन यहाँ पर क्या है कि र प्लस म अड, तो प्र प्लस मान, तो ये कह रहा है कि परंतु चवर्ग टवर्ग तवर्ग या तलभ्य स और दंत स का व्यवधान हो जाने पर न का अड नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर अड नहीं हुआ, हो गया प्र प्लस मान प्रमाण। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि तलभ्य स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए आ जाए तो स का मूर्धन्य स हो जाता है, मतलब कि जो तलभ्य स है ये सॉरी दंत स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो ये जो दंत स है किसे बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। देखते हैं अभी प्लस सिख, तो यहाँ पर ई है, अ आ से भिन्न कोई स्वर है, तो ये जो ई है अ आ से भिन्न है, उसके बाद क्या है ये दंत स है, तो उसको किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा, तो क्या, तो अभी प्लस सेकत अभिषेक, नी प्लस सिधि निषिध, वी प्लस सम विषम। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम स्वर संधि पढ़ लिए, व्यंजन संधि पढ़ लिए, अब विसर्ग संधि को देखते हैं, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। उसमें क्या हो रहा था, स्वर में, स्वर संधि में हो रहा था कि स्वरों का मेल होने से होता हो रहा था विकार या परिवर्तन, व्यंजन में व्यंजन के मिलने से या व्यंजन स्वर के मिलने से, इसमें क्या होगा कि जो भी परिवर्तन होगा वो कहाँ होगा, विसर्ग में होगा, जो भी वर्णों का मेल होगा विसर्ग से मेल होगा उसी को क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे मन प्लस अनुकूल तो मनुकूल, तो यहाँ पर मन प्लस अनुकूल मनोनुकूल, यहाँ पर विसर्ग का और अ का मेल हुआ है, विसर्ग का और अ का मेल हुआ है। इसका पहला नियम देखते हैं कि विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे वर्ण, क्या क्या, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, अ और बाद में भी क्या आएगा, अ आ जाएगा, अथवा और वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे वर्ण या यर लव हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है, मतलब ये जो विसर्ग है किसे बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। देखते हैं कि मना प्लस अनुकूल, तो ये जो यहाँ पर विसर्ग है ये क्या अ, तो कह यदि विसर्ग के बाद अ आए तो अ आ गया है, तो यह किसे बदल जाएगा, ओ में, तो ओ वर्ण की मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है, तो मन प्लस अनुकूल मनोनुकूल, मन प्लस वल तो मन प्लस वल, तो यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर क्या है अ है, तो अ है तो फिर वैसे ही हो गया मन प्लस वल मनोबल
अधा प्लस गति, यहाँ पे विसर्ग, यहाँ पे भी अ, तो किस में बदल जाएगा, ओ में, उपरण की मात्रा ऐसे होती है, तो क्या लिख देंगे, अधो गति, यहाँ विसर्ग छूट गया, विसर्ग नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड रूल है कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कोई स्वर, और बाद में कोई स्वर हो, तो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है। मतलब कि या तो ये र होगा या तो ये आधा र हो जाता है। तो देखते हैं र कि नी प्लस आहार, यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर क्या है, अ है, तो कह रहे कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो, मतलब कि विसर्ग से जो ये पहले वाला स्वर है ये किस कौन स्वर है, ये ई स्वर है, ई है, इसमें छोटा ई की मात्रा है। तो उसके बाद कह रहा है कि कोई स्वर हो, तो यहाँ पर अस्वर हो गया, तो नी प्लस आहार क्या हो जाएगा, निराहार, क्योंकि ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद अ आएगा, तो किस में बदल जाता है, र या र में, तो ये किस में बदल गया, र में, ये बदला आधा र में, और उसके बाद क्या है यहाँ पर आ, तो र प्लस आ, यहाँ पर उसकी मात्रा लिखी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रा, तो हो गया निराहार। ठीक उसी पर नी प्लस आशा, निराशा, नी प्लस धनम, निर्धनम, यहाँ पर जो नी, यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर धन है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे, तो त थ द, ये कौन वर्ण है, ये त थ द का क्या, ये त थ द ध क्या है, तीसरे नहीं, ये चौथा वर्ण है, चौथा तो होगा, तो ये मतलब कि नियम का पालन कर रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग प्लस द, तो ये जो यहाँ पर हुआ है ये आधा रह हुआ है, इसको हम निर्धनम लिखें। नेक्स्ट रूल, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या आ जाए, च छ या तलब्य स, च छ या तलब्य स हो तो विसर्ग का तलब्य स हो जाता है। मतलब विसर्ग से पहले कोई स्वर होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, च छ या तलब्य स, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, तलब्य स में। तो यहाँ पर है विसर्ग, विसर्ग पहले कोई स्वर, टेंशन नहीं लेना है कि कोई स्वर हो, तो विसर्ग उसके बाद क्या है, च है, तो किस में बदल जाएगा, तलब्य स में, तो क्या हो जाएगा, निश्चल, नी प्लस छल, निश्चल, दु प्लस आसनम, दुशासनम। नेक्स्ट नियम क्या हो रहा है कि विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स बन जाता है, मतलब कि विसर्ग के बाद क्या रहेगा, त रहेगा या क्या रहेगा, दंत स रहेगा, तो विसर्ग का भी दंत स बन जाता है, लेकिन आधा बनेगा। जैसे कि नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, ये विसर्ग हो गया, उसके बाद क्या है, त है, विसर्ग के बाद त है, ये किस में बदल जाएगा, स में, लेकिन आधा स, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। नी प्लस संतानम, निसंतानम, दु प्लस आस, दुसास। नेक्स्ट नियम देखते हैं, कह रहे कि विसर्ग से पहले हर्षई, हर्षव और बाद में, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, हर्षई होना चाहिए और हर्षव होना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए, क ख ट ठ प फ होना चाहिए, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। उसमें क्या हो रहा था, दंत स हो जा रहा था, इसमें क्या होगा, मूर्धन्य स होगा। तो विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षव, तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, तो ये जो न है, न में किसकी मात्रा है, हर्षई की मात्रा है, हर्षई की, उसके बाद कह रहा है कि क ख ठ ट प कोई हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर क है, तो नी प्लस कलंक मूर्धन्य स, तो मूर्धन्य स को लिखे हैं, ऐसे लिखते हैं ना मूर्धन्य स, तो निष्कलंकम। चतु प्लस पादनम, तो यहाँ पर हर्षव उ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, हर्षव का, हर्षव के बाद क्या है, प, उसमें प है, तो नियम का पालन कर रहा है, तो चतुः प्लस पादरम, चतुष्पादम, निः प्लस फलम, निष्फलम। नेक्स्ट रूल, यदि विसर्ग के बाद र आए, विसर्ग के बाद क्या है, र आए, तो विसर्ग का पहला वाला हरस्व स्वर, विसर्ग का पहला वाला क्या हो जाएगा, हरस्व स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है, तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। कह रहे कि यदि विसर्ग के बाद र, र आ गया, यहाँ पे भी रह गया, तो आए तो विसर्ग का पहला वाला जो ये हरस्व है, मतलब कि जो न में हर्षई ई वर्ण की मात्रा है, ये किस में बदल जाएगी, दीर्घ ई वर्ण की मात्रा में बदल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं जो विसर्ग हो उसका लोप, लोप कहने का मतलब कि विसर्ग हट जाता है, जैसे नी प्लस रोग,
तो इसको पहले हम क्या किए कि इसका जो हर्षय की मात्रा था किसमें बदला, दीर्घय की मात्रा में नी, उसके बाद क्या हुआ ये विसर्ग का लोप हो गया और रोग का रोग निरोग, नी प्लस रस निरस। नेक्स्ट है कि विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद क ख रहेगा या प फ होगा, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता मतलब कि अंत प्लस कर्ण यहाँ पर क्या है क ख प फ, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद क है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अंत प्लस कर्ण क्या लिख देंगे अंतकर्ण, प्रातः प्लस काल का क्या लिख देंगे प्रातः काल। तो ये रहा आप लोग का संधि, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।